गलती एक मरतबा होती है या कभी दूसरी दफ़ा भी हो जाती है, लेकिन जब किसी से बार बार गलती सरजद हो तो इसे भूल चूक नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो झूठ के ज़ुमरे में शुमार होने लगती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान गुज़िश्ता करीबन 3 हफ्तों के दौरान कई गैर मुल्की मीडिया चैनल्स को दिए गए इंटरव्यूज़ में मुसलसल एक ही बात दोहराते रहे हैं कि अफ़गान तालिबान को इस वजह से कामयाबी मिली क्योंकि वो पश्तूनों की कौमपरस्त तहरीक थी और आम पश्तूनों ने भी इस वजह से इनकी हिमायत की थी। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने एक मरतबा फिर मिडल ईस्ट आई नामी बरतानवी वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में वही पुरानी बात दोहराते हुए कहा कि सरहद के उस पार पश्तून इस वजह से रियासत पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए क्योंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका का साथ दिया था, लेकिन अब जबकि हमने अमरीका से जान छुड़ा ली है तो यहाँ पर हालात बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमें यानी पाकिस्तान को सहूलतकार कहा गया, इस वजह से हमें निशाना बनाया गया और शिद्दत पसंदों ने खुद को पाकिस्तानी तालिबान कहना शुरू कर दिया। जब हम अमेरिका के इत्तेहादी नहीं थे तो यहाँ तालिबान का कोई वजूद नहीं था, लेकिन फिर एक वक्त आया जब टीटीपी 50 मुख्तलिफ तंजीमों पर मुश्तमिल तंजीम बन गई। अगर इमरान खान साहब की बातों का फैक्ट चेक किया जाए तो इनकी तरफ से पाकिस्तानी और अफगान तालिबान की तहरीक के मुतालिक कही जाने वाली तमाम बातें गलत साबित होती हैं। अव्वल तो पाकिस्तान में तालिबान की सोच की हामिल अफराद उस वक्त से हैं जब अफगानिस्तान में तालिबान तहरीक का वजूद अमल में नहीं आया था। 90 के अशरे के आखिरी सालों में शायद पाकिस्तान में सबसे पहले मौलाना सूफ़ी मोहम्मद ने मालाकंड डिवीज़न में शरई निज़ाम अदल के नफाज के लिए मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ किया और तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी के नाम से एक बाकायदा तहरीक की बुनियाद डाली। मौलाना सूफ़ी मोहम्मद बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते थे और पश्तून भी नहीं थे, बल्कि इनका ताल्लुक़ ताज कबीले से था। फिर 90 के अशरे में असलम फारूकी नामी दूसरे सख्तगीर मौक़फ़ के हामिल शिद्दत पसंद मजहबी रहनुमा थे जिन्होंने उस वक्त की औरकज़ई एजेंसी में शरीयत के नफाज का ऐलान किया था। असलम फारूकी बाद में तहरीक तालिबान का हिस्सा बने और फिर 2015 में वो अफगानिस्तान में दाइश खुरासान में शामिल हुए और तंजीम के अमीर के ओहदे तक जा पहुँचे। करीबन 1.5 साल कबल वो अफगानिस्तान में अफगान इंटेलिजेंस इदारे NDS की तरफ से गिरफ्तार किए गए, जिसके बाद से वो बदस्तूर लापता है। पाकिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीमों की बुनियाद खुद हुकूमत और ताकतवर इदारों की तरफ से 80 की दहाई में रखी गई, जब सर्द जंग के ज़माने में हम रूस के खिलाफ अमेरिका के इत्तेहादी बने। पाकिस्तान के मुमताज़ स्कॉलर, सहाफ़ी और अफगानिस्तान पर शोहरा आफाक किताब के मुसन्निफ़ अहमद रशीद लिखते हैं कि रूस के खिलाफ जंग को दवाम देने के लिए पाकिस्तान में हज़ारों दीनी मदरसों का क़याम अमल में लाया गया, जहाँ हज़ारों लोगों की अफगानिस्तान में जिहाद के लिए नज़रियाती और मुसल्लह तरबियत दी गई। जब 80 के अशरे के इख्तिताम पर रूसी अफवाज की शिकस्त के बाद अफगानिस्तान से इनखला हुआ तो जीत के जज्बे से सरशार ये जहादी फोर्स उस वक्त तक मुकम्मल जवान हो चुकी थी और यहाँ से फिर वो मुख्तलिफ शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ मुंसलिक हुए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वजूद से कबल बेशतर पाकिस्तानी जिहादी किसी न किसी शक्ल में अलकायदा या अफगान तालिबान की तहरीक से मुंसलिक रहे थे। TTP के अमीर मुफ्ती नूर वली महसूद ने अपनी किताब इनकलाब महसूद में लिखा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के क़याम से कबल हल्का महसूद के नाम से वज़ीरिस्तान में तालिबान की एक तंजीम मौजूद थी, जिसकी सरबराही बैतुल्लाह महसूद के सुपुर्द की गई थी। यह हल्का अलकायदा और अफगान तालिबान की खिदमत पर मामूर था। इसके अलावा नेक मोहम्मद और बैतुल्लाह महसूद तालिबान की पहली हुकूमत का हिस्सा भी रहे। खान साहब की इस बात का ना सर है और ना ही पैर कि तालिबान तहरीक इस वजह से कामयाब हुई क्योंकि सरहद के दोनों इतराफ ये पश्तूनों की कौम परस्त तहरीक के तौर पर वजूद में आई और इसे मकबूलियत हासिल हुई। अफगानिस्तान में अगर 90 के अशरे में अफगान तालिबान उठे भी तो उस वक्त वहाँ तवाइफुल मलूकी और अफरा तफरी का माहौल था। वहाँ सिर्फ पश्तूनों के हुकूक सल्ब नहीं हो रहे थे कि जिसके लिए पश्तून तालिबान सामने आए, बल्कि शोरिश ज़दा मुल्क की तमाम कौमियतें उस वक्त के जिहादियों जिन्हें टोपक मार या बंदूकों वाले कहा जाता था कि हाथों यरगमाल बने हुए थे। फिर जब तालिबान की हुकूमत बनी तो इसकी बुनियाद किसी कौमियत की बुनियाद पर नहीं बल्कि इस्लामी नज़रिए के तहत निज़ाम सल्तनत चलाना इनका पहला मकसद था। अफगानिस्तान के अंदर नस्ली हसासियत हमेशा से ज़्यादा रही है, लेकिन वहाँ के पश्तूनों ने कभी तालिबान को पश्तून रहनुमाओं के तौर पर तस्लीम नहीं किया। फिर जब 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई तो इनका नज़रिया भी खालिसतन इस्लामी था। पाकिस्तानी तालिबान हमेशा से मुल्क में निज़ाम की तब्दीली की बात करते रहे हैं, उन्होंने कभी पश्तूनों के लिए अलग वतन का मुतालबा नहीं किया। मुफ्ती नूर वली ने हाल ही में CNN को दिए गए इंटरव्यू में कबायली इलाकों की आज़ादी की बात ज़रूर की है, लेकिन वो एक महदूद खत्े की बात करता है, कभी उन्होंने कौम की हैसियत से पश्तूनों के हक़ की बात नहीं की। TTP ने इमरान खान के बयान पर अपना मुफस्सिल रद्दअमल भी जारी किया है और वज़ीर आज़म के बयान को कमिल्मी और गैर संजीदगी से ताबीर किया है। बयान में मजीद कहा गया है कि तहरीक मुल्क में शरई निज़ाम की ख्वाहां एक जमात है जो कौमी और लसानी असबियत से बालातर है। 2004 से जब इस वक्त के कबायली इलाकों में ऑपरेशन का आगाज़ हुआ तो हुकूमत की तरफ से अपने लोगों पर बम्बारियाँ की गईं, जिसमें बड़े पैमाने पर आम शहरियों के घर तबाह हुए, बेगुनाह बच्चों और ख़वातीन की हलाकतें हुईं, जिससे कबाइल में शदीद इश्तियाल और गम व गुस्सा पैदा हुआ और शायद इसकी वजह से कुछ कबाइल तहरीक तालिबान की तरफ माइल हुए, लेकिन यह बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। बदले की आग में जलने वाले कबायली नौजवान उस वक्त हुकूमती कार्रवाइयों की मुखालफत में तालिबान से मिल गए थे, जिसकी वजह से इन इलाकों में कुछ वक्त के लिए शिद्दत पसंदी में इजाफा भी हुआ। दूसरी तरफ कबायली इलाकों में 500 के करीब कबायली मशरान और सरदारों को कत्ल किया जा चुका है। मस्जिदों, हुजरों और यहाँ तक के जनाजों पर हमले किए गए। पश्तून कॉन्फ्रेंस जमात अवामी नेशनल पार्टी के 1000 के करीब कारकुन हलाक हुए, जिनमें पार्टी के चोटी के रहनुमा, वज़रा और MPs शामिल हैं। इसके अलावा बम और खुदकुश हमलों में हज़ारों आम अफराद लुकमाए अजल बने। सिर्फ एक आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर होने वाले हमले में 140 के लगभग तलबा और स्टाफ के अफराद मारे गए। फौजी कार्रवाइयों और शिद्दत पसंद हमलों के बायस लाखों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर अमल वली खान दुरुस्त कहते हैं कि खान साहब पश्तूनों को आलमी सतह पर दहशतगर्द करार देना चाह रहे हैं। इनका मजीद कहना है कि पश्तून दहशतगर्द नहीं बल्कि दहशतगर्दी के मुतासरीन हैं। इसमें शक नहीं कि पश्तूनों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो नुकसान उठाए शायद ही किसी कौम ने बर्दाश्त किए हों, लेकिन खान साहब ने कभी इन कुर्बानियों का उस तरह से जिक्र नहीं किया जिस तरह इसकी ज़रूरत है।